Hey guys, welcome back to our channel, Shystyles Vlog. Welcome back to my channel. अब वो Shystyles Vlog हो या Shystyles हो, yes, I'm super excited. पर मुझे पता है मैं नहीं जीतूंगी. नहीं, शाय जीतेगी क्योंकि शाय ये पहले चैलेंज कर चुकी है और ये तीन ही सही देके 10 गलत देके बैठी है. तो इस ये पूरा बदला लेने के लिए सिर्फ 3 दिन लगाए क्वेश्चंस ढूंढने में. Okay, so guys, I'm very very excited. Okay, तो हम करने वाले हैं wife tag. Now get to know me tag something like that कि मैं मयंक के साथ 9 साल से हूँ और मयंक अपनी वाइफ पहले गर्लफ्रेंड पहले फ्रेंड थी फिर गर्लफ्रेंड अब मैं उसकी वाइफ हूँ और उसके बच्चे की मामा भी हूँ. तो मेरे बच्चे की माँ है ये. हाँ, इसके बच्चे की माँ हूँ. मुझे छोटा सा हमारा छोटू सा शैतान बच्चा है. ओके, तो ये इसमें मैं कुछ क्वेश्चन मयंक के पूछूंगी कि मयंक मुझे कितना जानता है 9 सालों में. और सीधा सिंपल सा है इस क्वेश्चन, मतलब इस गेम को मैं सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ कि मेरे को एक शायद क्वेश्चन पूछेगी खुद से रिलेटेड और मेरे को अगर उसका सही जवाब दिया तो मैं बच जाऊंगा. अगर गलत जवाब दिया 10 सेकंड का टाइम मिलेगा तो मेरा मुंह जाएगा इस पानी में जो कि नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं है. ये टैप वाटर है. अब इसके अंदर अलग से आइस डाली जाएगी जो कि दिल्ली में 10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है उस दिन हम ये चैलेंज कर रहे हैं. हर बार मयंक का मुंह डुबाया जाएगा गलत जवाब पे और बहुत ज्यादा ठंडा पानी है. इस बार मैंने बड़ा वाला लिया है. क्यूब्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये है. 10 क्यूब्स गई और 5 क्यूब्स गई है, 15 क्यूब्स टोटल. पहला क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपने शाय का पानी में डूबने मुंह डूबने वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. उसमें मैंने शाय से कुछ क्वेश्चंस पूछे. अब मेरी बारी है आज. और शाय ने बहुत सारे जवाब दिए ही नहीं, गलत दिए. अब मैं कुछ चेक करते. मैंने ना एक्चुअली डायरी में भी लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाए हुए हैं. आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सब पता है पर बीवी के आगे तो भाई कोई पति जीत नहीं सकता, ये मुझे पता है. मैं काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी जल्दी पूछूंगी, मैं काफी सारे पूछूंगी. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को. सबसे ज्यादा मजा कोई अगर लेता है इस वीडियो को बनाने में तो बिहाइंड द कैमरा हमारा. बिहाइंड द कैमरा जो है हमारा मुदित वो लेता है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे शूज का क्या साइज है? शाय के शूज का साइज 5 है. नहीं, दूसरे में बताओ ना, यूरो में बताओ. भाई मैं तो यूके बताऊंगा ना, इंडिया तो यूके चलता है. यूरो सही है नहीं, यूके 5 सही है. हाँ है ना, डाइसी भी हो सकता है. नहीं डाइसी नहीं है भाई, ब्रांड ब्रांड में वेरी करता है पर जो मेन साइज ही अपना ऑर्डर करती है वो है 5, मुझे पता है. ठीक है, आई नो दिस, आई नो 5, यूके 5. व्हाट इज द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट आई लव टू वेयर? आउटफिट का पर्टिकुलर ब्रांड बतानी है या नहीं? ब्रांड नहीं बताना, कपड़ा बताना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पहनना. क्रॉप टॉप और जींस? ओ भैया पूरे दिन तक यही पहन के रखती है. अच्छा बताओ क्या है? मैंने कहा कंफर्टेबल. पजामा टी शर्ट गलती कर रही है. मुझे पता था इसका आंसर. मैं रिसेंटली कौन सा मेकअप प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ ये तुम्हें पता है? यार आप बताओगे और मैं आपको दूंगी 10 से स्टार्ट करी. अरे ऐसे बोलो मत, मनी मैन बिगिनो इसने कुछ बोला था, कुछ महंगा सा आइटम था यार. यार बहुत सारी ब्रांड चाहिए, नाइका पर पल्ले लाइक में लोटस और एक आजकल कोई बड़ी ब्रांड भी चल रही है, मुझे नाम नहीं पता उस ब्रांड का. देखो नाम बताओ. गुची का ब्रॉन्जर याद है? गुची के क्या मेकअप प्रोडक्ट्स लाते हैं? गुची का ब्रॉन्जर आई टोल्ड यू कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज पे देखा मैंने, मुझे गिफ्ट करा. गुची के तो बैग लाते हैं ना, जूते आते हैं. अच्छा अच्छा वापस आ जाओ अपनी जगह पे. यार तुमने मुझे कब बताया वैसे? और काफी देर रखना उसमें. इसने शायद ने कभी आज से 2012-14-15 में बताया था, उसके बाद कभी जिक्र नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता लिटरली. शाहिद कपूर
ये चीटिंग है मेरे से 5-12 पूछा शाहिद कपूर तुम्हारा बचपन का है तुम गाना सुनते हो डांस करती थी इसने बोला नहीं है शाहिद यार ये तो तुमने चीटिंग की मतलब यहां बताना था ना यार तुम कितना कंफ्यूज क्यों हो गए वो तो मेरे ट्रिक्स थे कि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही मैंने बोला था कि गाना था यार तो ये चीटिंग है तुमने मेरा ट्रिक कर रहे हो यार मैं कॉन्फिडेंस से बोलता शाहिद 1 2 व्हाट इज योर मजा आया मेरे में ज्यादा इसकी मजा मुझे पता है कैसा लग रहा है अब आईज फेशियल करा के माइंड सिंगर ओ बहुत मजा आ रहा है करा के देखोगे तुम मैं करा चुकी हूं माय ड्रीम फॉर माय पेरेंट्स उनको हज कराने का ये अब मना कर दो नहीं है ये मना भी नहीं कर सकती इसका अगर मैं आप ही बोलो करिए अगर ये जवाब नहीं भी है तो ये इस टाइम पे मना भी नहीं कर सकती और आप ही नहीं कर सकती वैसे सपना ये इसने बोला है कि इसके मम्मी पापा को हज कराना टाइम की शादी के बाद मेरा सपना है उनको हज कराना चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार वैसे देखा जाए तो मुझे चार टेल मी द मीनिंग ऑफ साइमा साइमा का ये जो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करे कर ली अल्हम्दुलिल्लाह बट वो नहीं है अब बताओ जल्दी नहीं पता तुम मेरे नाम का मतलब बता ना मेरे नाम का मतलब है जो बहुत ज्यादा फास्ट रखती है बहुत ज्यादा फास्ट रखती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा सिर्फ एक गलत हुआ बाकी चार में सही थे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ बहुत मायशा जो मेरे पेट में थी उसने पहली बार लात कब मारी थी ये तो मैं कभी नोट ही नहीं की तारीख तुमने की है मैंने तुम्हें सुनाई लात फील कराई थी जो मायशा डेट मैंने कभी वो नोट नहीं की ना मेरे को सारी डेट से याद है मुझसे कुछ ही पूछ लो दिन बता दो डेट मत बताओ दिन बता दो अब साल मत बताना क्योंकि उसी साल वो पेट में थी उसी साल वो 12 2000 उसमें 21 में हां 2021 मैं 1 लात कब मारी थी बच्चा लात कब मारता है कौन से महीने पांचवें महीने में तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 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 में तो लात बच्चा मार सकता है सवाल कैसे मार सकता है तो जनवरी कहां से आ चाहे जनवरी में तो प्रेगनेंसी हुई थी ठीक है नहीं बताओ बताओ जल्दी बताओ मैं याद नहीं नहीं मैं डेट्स में कभी नहीं अरे डेट को कभी मैंने नोट ही नहीं की ना 12th मई ये कैसे सकता पॉसिबल मैं कैसे मान लूं मैं बताती हूं रीजन मुझे प्रूफ चाहिए इस चीज का ठीक है तो याद है कि पहली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हम घर में रुके थे तुम पहली बार मेरे घर पे रुके थे याद आया ईद के लिए घर वालों ने याद नहीं मैं याद नहीं करना चाहता मैं बदतमीजी मत करो मैं रुका था पर उस दिन लात कैसे मारी हां तो उस दिन जब हम बेड पे बैठे थे मैं कहती आयशा ने मेरे को पेट पे लात मारी नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं मेरे चार सही है पांच में से यकीन मानोगे पांच में सही है मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ गेम और बहस करो ये जो सवाल बहुत ठंडा है ये जो सवाल मैं पूछ रही हूँ मेरे फेवरेट सवाल है मेरी सब सब कुछ बहरे लग गया बहुत ठंडा बताओ ओके सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज आवर फर्स्ट किस ये या कौन सी आ, का बाद के साइड में जो कट बना हुआ है ना फोर्ट के साइड में वो लोगों को पता है जा रहा हूँ वहाँ हाँ मैं ऐसे इशारा करके बता रहा हूँ ये पक्का है वो ये ना मैं सब तो डेट्स में करो डेट्स में कभी नहीं बोलता नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी अ वन मील आई कुड ईट एवरी डे एक मील मतलब एक फूड ऐसा मील जो मैं हर दिन खा सकती हूँ फूड ना ऐसा कौन सा मील है जो तुम खा सकती हो ऐसे तो मैंने कभी तुम्हारा मुझे कोई बताया मुझे पता पता उसे किसी को नहीं पता पता है एनी गेस मुदित यू गेट सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली तो सैंडविच आई डोंट नो द पता होगा सैंडविच
भाई सैंडविच में मैं हर दिन खाती हूँ, 90% मैं हर दिन खाती हूँ। पर वो तो मजबूर पे खाते हो डाइट के चक्कर में, आपको पसंद नहीं है, आप बाहर जाकर कभी ट्रिप आप नहीं मांगा मैं सैंडविच खाऊंगा, क्योंकि मुझे घर जैसा सैंडविच भाई बंदे को क्रेविंग होती है, इतना पसंद है तो बंदा, अब मेरे को रेडबुल पसंद है, मैं सबसे पहले जाकर बाहर रेडबुल पीऊंगा। वो मैटर नहीं, मैटर ये करता है कि मैं हर दिन क्या खाना पसंद करती हूँ, वो है सैंडविच। क्वेश्चन था क्या खा सकती हूँ, खा सकती हूँ जब, वेरी गुड गुड बॉय, रुक जा चलो थोड़ा सा और इजी बना देती हूँ। माय फेवरेट टाइम पास इन टीवी, ये वो पाकिस्तानी सीरियल्स देखती है यार, इसको पता है, मुझे नाम नहीं पता, पाकिस्तानी सीरियल्स देखती है, पर वो भी आपने काफी टाइम से नहीं देखा तो मैं कैसे पता लगा दूं कि वो फेवरेट है। बट द थिंग इज कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामास देखना बहुत पसंद है, अगर मेरे को कभी अच्छा चक्कर में दो तो मैंने देख लिए पूरे पूरे, अगर कभी टाइम मिलता है तो मैं वही देखना पसंद करती हूँ। ओके, व्हाट इज माय लीस्ट फेवरेट फूड, लीस्ट फेवरेट फूड किसी को नहीं बताऊंगा, वैसे मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो खारिज किया जाएगा, नहीं खारिज नहीं किया जाएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मेरे पति हो, तुमने मुझसे फूड का क्वेश्चन पूछा था, मैंने तुमसे भी पूछ लिया, बता दो, मेरा दुनिया को पता था, बता आंसर, नहीं पता, नहीं पता, बेसन की सब्जी, आई डोंट लाइक इट यार, ये तो कभी जिंदगी में हमारे घर में भी नहीं बनती है, तुमको पता ही नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा बेसन की सब्जी भी होती है क्या, हाँ तुम्हारी मम्मी गट्टे की सब्जी बनाती है, मैंने तो कभी नहीं खाई अपने घर में, घुस जाओ जो मुझे आगे ले जाना चाहिए, जो ऐसा टैलेंट है जो मेरे सात फुट के बंदे को उंगली में नचा रखा, और क्या टैलेंट होगा, बाकी दुनिया के सारे सात फुट के बंदों को आगे नचा दे उंगली पे, आई एम टेलिंग कि मैं क्या आगे लेके जा सकती हूँ, पॉसेस लिखा है, डांस ही है शायद, और एक मेकअप है, इसके अलावा तो डांस, मैंने बोला डांस का ऑप्शन था तो आई एम राइट, यस चलो कंप्लीट, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई वर अ कलेक्टर व्हाट वुड आई कलेक्ट, मुझे लगा वो आईएएस वाला कलेक्टर, मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन कहां ले गई है, सुनो नहीं सकता, ठीक है चलो ओके, तो इसका आंसर है क्या कलेक्ट करना चाहती है यार, आप शेल्स कलेक्ट करते थे, अरे यार वो तो मैं जब बीच के किनारे जाते तो करते, तो ऐसे तो जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ कलेक्ट करते, तो ऐसे पर्टिकुलर क्या चीज हो सकती है जो कलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा आप उस चीज का कलेक्शन होना चाहिए आपका, देखा अगर मैं कलेक्टर होती तो तुम्हें क्या पता है कि मेरे को इस चीज की चाहत है मयंक, एक चीज की चाहत जो मैं कलेक्ट करती हूँ, मैं बहुत रेयर किसी को देना पसंद करती हूँ, खाली बोतल, पागल है क्या, कुछ भी पहले बताओ, जब मुंह डालूंगा ज्वेलरी, अरे यार ज्वेलरी कलेक्ट करने का, हाँ इसे गोल्ड ज्वेलरी, अरे अरे सॉरी, अरे ये ज्वेलरी सच में कलेक्ट करते, गोल्ड इसने इतना भर रखा है ना, और इसको पहनना भी नहीं है, बस कलेक्ट करना है, चलो मुड़ा लो, देखने में ऊपर से ऐसे लग रहा होगा, नहीं नहीं अच्छा इस साइड से बस, मुझे लगता है अभी मेरे को कहीं एक ना काम से आना, मैं वहां पहुंचूंगा, मेरे यहाँ लाल पट्टी होगी बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसा सीधा मुंह है ना, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय वेडेस्ट हैबिट, जो आदमी करता है अपने बाल ऐसे बैठने चीज़ कोने से तोड़ना, इसको आज से नहीं पिछले 9 सालों से, इसके अलावा एक और वियर्डेस्ट हैबिट, जब इसके अलावा तो मुझे आपको किसी को पता नहीं तो मुझे भी कैसे पता होगा, तुम्हें मैं तब से पता है जब से तुम मुझे मिले हो, डोंट से वियर्डेस्ट हैबिट, चलो मुंह डालो फिर बताऊंगी, तुम्हें बताना चाहिए ऑडियंस को, तो हम बताएंगे ना, वियर्डेस्ट हैबिट से पहले दिन मिले थे तुमने मेरी चॉकलेट खा, और क्या थी, और क्या पहले दिन में क्या था, खाना ज्यादा ऑर्डर कर दिया और खाया, भाई बेटा है बेटा, बंदी ने 5 चूना ऑर्डर किया था, पहले बताओ जायज लगा तो जाऊंगा अंदर, अरे हाँ ये तो हमारी मैडम नशा करती है, अरे ये तो मिट्टी का तेल सुनती है, इसके लिए मैं बॉटल में खरीद के लाते, सुबह खुश रहो, मैं सुनती नहीं हूँ, मुझे मिट्टी का तेल हो गया या डीजल पेट्रोल गीली मिट्टी, ये जो हाँ सूखी गीली मिट्टी होती है हर लड़की को होता है, ऐसी फ्रेग्रेंसेस
थैंक यू सो मच. तो मैं लास्ट में मूड उबाया, मुझे बड़ा खुशा लगा कि खुशी हुई मैम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं जानते. अरे भैया जानता हूँ, कंफ्यूज हूँ. शादी से पहले अलग आदत थी, शादी के बाद अलग बन गई. नहीं ये वही आदत पहले थी. चीटिंग है. ओके तो भाई चैलेंज बहुत ऑसम है. अगर आप लोग भी अपने कपल, अपने बीवी, अपने बॉयफ्रेंड, भाई बहन, माँ बाप किसी के साथ भी कर सकते हो, हमें टैग जरूर करना, हम उसको शेयर जरूर करेंगे. जी हाँ, अगर आप हमसे इंस्पायर्ड होकर चैलेंज करते हो तो प्लीज मेक श्योर टू टैग अस ऑन इंस्टाग्राम. यस हम उसे शेयर बैक करेंगे. और अगर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो मैंने आंसर सही दिया और मेरे साथ ट्रिक किया गया है, कि मुझे आंसर पता था पर मेरे साथ सच में ट्रिक किया. ओह प्लीज मैं की साइड मत लेना, पता है बीवियों की साइड लेना लड़कियों. प्लीज बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले चैलेंज वीडियो के साथ. यस आई लव यू. और आपको कोई पर्सनल चैलेंज पसंद हो तो वो भी जरूर बताना. अगला वीडियो शूट फॉर यू. ओके बाय. हमें खुद मजा आ रहा है शूट करने में. बाय गाइस.